वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवलिंग ड्रामा. सो वी आर ट्विनिंग टुडे. पिना एंड मम्मा आर ट्विनिंग एंड दिस मैन स्टैंड्स आउट एज ऑलवेज. वी आर ऑल्सो वेयरिंग बोथ आर वेयरिंग स्लीवलेस. सो ओके, कुछ ज्यादा तेज नहीं है जाती धूप. ओके, सो हम लोग अभी निकल रहे हैं बिकॉज कस्टर्ड एप्पल्स का सीजन शुरू हो गया है. सो यस, पीपल इन एंड अराउंड बैंगलोर कैन रिलिश कस्टर्ड एप्पल्स नाउ. यस फियाना, स्ट्रॉबेरी का नई सीजन है. ओनली मैंगो का भी नई सीजन है. ओनली कस्टर्ड एप्पल का सीजन अभी स्टार्ट हुआ है. यस, सो लकीली हर सीजन में कोई एक आधा फ्रूट इसको पसंद है एंड वी ट्राई आर बेस्ट के उसको फ्रूट ज़्यादा खिलाएं ताकि जो स्वीट्स की क्रेविंग होती है वो थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि आजकल रेडीली अवेलेबल है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और बच्चों के लिए डिस्प्ले हुए होते हैं फिर आसपास बच्चों को. एनीवेज, दैट्स अनदर टॉपिक. आज जो है हम जा रहे हैं फ्रेश कस्टर्ड एप्पल्स खरीदने किशनगिरी. Yes, कृष्णगिरी पे जाए, मतलब मैप में हम कृष्णगिरी डालेंगे बट कोई ऐसे पर्टिकुलर शॉप नहीं है. हम लोग जो हाईवे पे बैठे होते हैं ना, बिल्कुल फ्रेश कस्टर्ड एप्पल्स बेचते हैं, तो वो एग्जैक्ट लोकेशन शेयर करेंगे और रेट्स शेयर करेंगे और फिर बाद में आपको दिखाएंगे कि आप कमाल के कस्टर्ड एप्पल्स मिलते हैं. सो हम यहाँ अंती बेला से होके जाएंगे. यहाँ पे टोल टैक्स आता है. टोल टैक्स कितने का है ये? और एक ये यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स आप देख सकते हैं. पानी की टंकी है कि पता नहीं क्या है. अपने उधर तो ऐसे पानी की टंकी होती है ना ऊपर छत के कार एंड ऑल. शायद इनकी भी टंकी ही है, हेलीकॉप्टर है. तो यहाँ पे 71 साइड का है और मतलब 35 सिंगल साइड का है. वो कैश था 70. अच्छा, और दो साइड का आई थिंक 55 है. तो हम तो आज ही वापस आ जाएंगे इसलिए 55 पड़ेगा. इसके आगे थोड़ी देर बस ट्रक 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 दिखेंगे. अभी हमें कितना टाइम है जल्दी पहुंचने में? 20 more minutes. एक्चुअली अंधेरा हो चुका है ऑलमोस्ट, तो अब पता नहीं वो लोग बैठे होंगे कि नहीं, बट लेट्स ट्राई आवर लक्स. नहीं तो वहाँ पे वो तो है ही ना जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, एक दो कहीं पे टाइम कस्टर्ड एप्पल शायद ही मिले. बाकी ये हमारी पीछे वाली सो गई है तो हमें भी थोड़ा आराम है, हमें थोड़ा सुकून मिला है. हम अपने अड्डे पे. कस्टर्ड एप्पल तो हमें कहीं नहीं दिखे. वैसे मार्केट में तो आने स्टार्ट हो गए हैं लेकिन यहाँ कहीं कोई क्लू भी नहीं दिखा ना. बैठे होंगे दिन में, अंधेरा हो गया तो चले गए. बट वो खिलौने वाले अभी तक बैठे थे तो उनका वो एक सेटअप सा आता है ना पत्थर से रख के जो बैठते हैं, वो भी नहीं दिखा मुझे तो कहीं. तो आई डाउट अभी इन्होंने बैठना स्टार्ट किया है कि नहीं. बट एनीवेज, ये ही था वो रास्ता जो ले जाता है हमें कस्टर्ड एप्पल्स की तरफ. फिर कभी आ जाएंगे. और ये देखो, इसने जिंदगी के पूरे मजे ले लिए इस एक ड्राइव पे. अब रात को हमारे जगराते करवाई. सो नो कस्टर्ड एप्पल्स फॉर टुडे, पोपच हो गया है. बट एनीवेज, हम यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ खाएंगे जो भी मिलेगा. वैसे मुझे यहाँ पे कुछ पसंद नहीं है इस मार्केट में, क्योंकि KFC और बर्गर, ये क्या होता है, बर्गर किंग, ये यहाँ पे जो यहाँ पीछे मैकडीज भी खुला है, मगर इनके जो बर्गर्स और वो फ्रेंच फ्राइज है वो मैं खाती नहीं हूँ. एक यहाँ पे फिर एक साउथ इंडियन है, सरवना भवन है ना, ये बस ये ऑप्शन रह जाती है. तो साउथ इंडियन खा के हम लोग पक चुके हैं. ऊपर कुछ और खुला, ओके समथिंग न्यू. चलो ये देखते हैं आज क्या है, कुछ नया खुला है. मिलते हैं फिर आपसे. उठ गया हमारा. What's wrong? क्या हुआ? What's wrong? ये नींद में आया अभी. इसको जबरदस्ती उठा दिया जतिन ने. उठ जाओ बेटा, रात में हम पे दया करना थोड़ी. ये वैसे वापसी में फिर सो जाएगी जतिन. है ना? सोएगी फिर घर पे हमारा क्या हाल करेगी? वही तो मैं कह रही हूँ.
वाइफ है ना बेबी, से हेलो फ्रेंड्स। नॉट इंटरेस्टेड बच्चा। सो हम लोग दोस्त कैफे ढूंढने जा रहे हैं, नहीं है यहाँ पे, ये दिख गया इसको, तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है वही मिलने हैं। फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, कॉफी जरूर बनी हुई है एक साथ में। बैकग्राउंड हमारे कपड़ों के साथ मैच हो रहा है। सो वी आर बैक इन सरवना भवन। वहाँ डोज कैफे में भी यही था, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज, और क्या था, सैंडविचेस थे थोड़े, यही था। बाकी ड्रिंक्स वगैरह थी मुई तो, वो सिरप वाले ड्रिंक्स, ये सब मैं तो नहीं खाती हूँ। फिर तुम्हारा मन था क्या बर्गर खाने का? नहीं ना, मतलब वहाँ से नहीं। यहाँ से मैकडीज और खाना ही है तो बर्गर की मैकडीज से मैं प्रेफर करूँगा। इस शॉपिंग कम्प्लेक्स के पास में एक नया मैकडॉनल्ड्स ओपन हुआ है, ये हमने पहले कभी नहीं देखा, तो वी थॉट कि चलो जाके आते हैं। और मैकडॉनल्ड्स पे मिल गया फियोना को एक बलून, और इसको दिख गया स्ट्रॉबेरी शेक। वैसे भी इसने कुछ खाया नहीं था, ये सो गई थी, और बाय द टाइम हम लोग खा पी के बाहर आए तब तक इसे भूख नहीं थी, अभी अचानक से इसने डिमांड किया, सो इसका भी काम हो गया। और ये बाहर से इस ड्राइव थ्रू का व्यू बहुत ही प्यारा है, छोटा सा था लेकिन बहुत नाइस। हो गई हमारी आउटिंग और उठ गई हमारी बिटिया, है ना? Did you enjoy? Yes. And French strawberry. इसके खाने का यहाँ कुछ भी नहीं था, फिर इसने एक स्ट्रॉबेरी शेक लिया है मैकडॉनल्ड से। तो बस कस्टर्ड एप्पल्स तो नहीं मिले, लेकिन एक आउटिंग जरूर हो गई। Look, so, fruits there. There's fruits yes, there. Custard apple there. Where? अरे हाँ सच में, रुको मैं दिखाती हूँ। नजरें देखो, यहाँ पे ना कस्टर्ड एप्पल्स पड़े हैं, ये यहाँ पे स्ट्रॉबेरी पाउडर, तो यम्मी होता है। अभी मुझे बोल रही है स्ट्रॉबेरी का तो सीजन नहीं है, तो स्ट्रॉबेरी शेक कैसे बना है? तो मैंने कहा ये तो पाउडर होता है, तो कह रही है ये भी यम्मी होता है। But you should eat only fruit, not powder. Powder is not good for health. It is just a color. It has no fruit. Okay? Papa, Mama, fruits are healthy. Dragon fruit, yummy. Yes. Strawberries are healthy. Yes. अभी वो अपना न्यूट्रिशन का वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है। एक्चुअली मैकडॉनल्ड्स पे से खाना कम होता है, बलून लेने ज़्यादा जाना होता है। सो बस अब घर वापस जाएंगे। अब हमने एक डोसा खाया था, तो जब बलून नहीं टूटा है, नहीं टूटा है, तो जतिन उस वक्त तो बोला कि मुझे भूख नहीं है, फिर इसको एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक लेके दिया, मैकडॉनल्ड्स गए थे वहाँ पे भी बोला भूख नहीं, अब वापस जाने का टाइम आया तो कह रहा भूख है, एक छोटा सा बर्गर पैक करा लेता हूँ, तो अभी वो गया और हम उसका वेट कर रहे हैं, है ना फिर पापा का वेट कर रहे हैं। विद दिस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू आवर चैनल ट्रैवलिंग कीड़ा।